इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तो रास्ते में कुछ लोग हम पर पत्थर फेंका था, पत्थर बने फूल, वो पत्थर हमारे लिए फूल है और तुम बेवकूफ वाला फूल हो। कैसे कि तुम फेंक रहे हो पत्थर, तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी दे दिया है कि सरकार से जो लोग सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता करके उसके ऊपर पत्थर मारो। पत्थर अगर नहीं पहुंच रहा है तो फेसबुक पर जाकर के गाली दो, ट्विटर पर जाकर के गाली दो, यूट्यूब पर जाकर के गाली दो। दो हमको गाली देने से 2 करोड़ नौकरी मिलेगा? नहीं, नहीं। अगर ऐसा है तो मैं रोज भोरे भोर फेसबुक लाइव पे आ जाऊंगा और देश के सभी नौजवानों को कहूंगा कि भरपूर आप हमारे साथ पुश्त को गाली दीजिए अगर आपको नौकरी मिल जाए तो। मिल जाएगा क्या? दूसरे से नफरत करके हमारे जीवन में प्रेम का प्रवाह नहीं होने वाला है। दूसरे को गाली दे देने से हम सम्मानित नहीं हो जाएंगे और हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए अनपेड लेबर है, पैसा भी नहीं मिला होगा उसको। नेताजी कहे होंगे 500-500 रुपया देंगे तेल भरवा लेना, अब तो 500 रुपया में आधा टंकी तेल भी नहीं होगा। क्या 500 रुपये में आधा टंकी तेल होगा? 500-500 रुपया में कहेंगे तेल भरवा लेंगे, अब पत्थर ले लो, पत्थर फेंक देना, उसके बाद तुम देशभक्त हो जाओगे। बाबू रे, ये देशभक्ति नहीं है, ये बेवकूफी है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो तुमको ये सवाल इस सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे बेची जा रही है। बताइए, लिखा जाता था ना, पटना जंक्शन पे लिखा हुआ होगा, सिवान स्टेशन पर भी लिखा हुआ होगा कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है। तो जो सरकार रेलवे को बेच रहा है वो देशद्रोही है कि हम सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं? इस पे आप हमको विचार करके बताइए, कैसा राष्ट्रवाद है भाई? राष्ट्रीय संपत्ति को निपटाए जा रहे हैं और जो सवाल पूछता है, हम तब भी कहते थे देखिए हम आपका नमक खाए हैं, आपके टैक्स के पैसा से हम पढ़ते हैं और जो ज्ञान हमको मिला है उसके आधार पे हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये साहब वादा किए थे आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा किए थे हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का, वादा किए थे अच्छा दिन लेकर के आने का, अब बना दी हैं अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी, हमको दे दिए हैं पत्थर कि तुम पत्थर चलाओ, अब बेटा को दे दिए हैं BCCI, उसको दे दिए हैं IPL कि तुम IPL खेलवाओ। 1 साल में 2 IPL हो रहा है, BPSC का बहाली टाइम पे नहीं निकलता है, 6-7 बार का BPSC का बहाली 1 बार में निकलता है, लेकिन IPL लेट नहीं होना चाहिए। अब ये देखे थे ना IPL, बिना दर्शक का हुआ हुआ होता था, स्टेडियम में दर्शक नहीं था, पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज सेट कर दिया था जनता का चिल्लाने का। अब फिर हो रहा है, IPL टाइम पर होगा, SSC का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, BPSC का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, रेलवे का बहाली टाइम पर नहीं होगा। और रेल तो अद्भुत है, कल परसों एक वीडियो देख रहे थे, उल्टा ही रेल चल रहा था। बताइए, जिनसे रेल नहीं संभल रहा है वो देश का खाक संभालेंगे? वो देश क्या संभालेंगे? लेकिन उनका जो प्रचार है वो प्रचार बड़ा लाजवाब है। अब प्रचार की ताकत तो होती है, प्रचार की ताकत तो ऐसी होती है कि बार बार अगर कोई बात आपको कही जाएगी तो आप मान लीजिएगा, हम कहेंगे तो नहीं मानिएगा, हेमा मालिन कहेंगी तो मानिएगा, क्या सिपाही जी नहीं मानिएगा? हेमा मालिन कहती है कि केंट देता है शुद्ध पानी, तो घर में केंट लगा लेते हैं, हेमा मालिन कह रही है ना,
कोई कन्हैया कुमार कह रहा है कि नहीं लगाएंगे। हेमा मालिन बोली है ड्रीम गर्ल, तो लगा लेंगे केंट का पानी, शुद्ध देगा। शुद्ध है कि नहीं है ये मालूम नहीं है, कोई आकर के कह दिया ठंडा मतलब कोका कोला पिए जा रहे हैं। अम्मा कह रही है कि बेटा छाछ पी लो, लस्सी पी लो, तो लस्सी पिएंगे जी, उसमें क्या है, कोका कोला पिएंगे तो जो है, कहे कि कोहली बोला है कि कोका कोला पी लीजिए, कोहली बोल रहा है ना, तो पी लेंगे। प्रचार में ताकत तो होती है, नहीं होती है, है? आप में से कितना लोग फेयर एंड लवली लगाए हैं, लगाए हैं ना, मुंह गोरा हुआ, प्रचार में ताकत होती है। तो इस देश में हमने एक ऐसा सरकार चुना, वो घरी डिटर्जेंट की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ऐसा नहीं, प्रचार पे हमने एक सरकार चुन दिया है, प्रचार पे। कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि उस प्रचार की हकीकत क्या है, क्या सच में फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है, सच में ठंडा मतलब कोका कोला होता है, सच में केंट शुद्ध पानी देता है। इस बात की पड़ताल किए बिना, इस बात की तफसीस किए बिना हम उस बात को मान लिए हैं, जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदू हित जो है उसको साधा जाएगा। बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है, हिंदुओं का हित अगर साधा जाए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात हमको बताइए, रेलवे बिक जाएगा, रेलवे की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है, सोचिएगा जरा। अगर एसएससी एग्जाम नहीं लेती है, एसएससी परीक्षा नहीं लेती है, परीक्षा लेकर के परिणाम नहीं देती है, परिणाम दे देने के बाद नौकरी नहीं देती है, और नौकरी का रिजल्ट आ जाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाती है, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है? देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अगर बेच दिया जाता है, औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, इसमें हित है कि अहित है? इस देश की जनता अपने सवालों पर पहुंचे, अपने सवालों पर हम विचार कर सकें, उससे पहले ही एक नया सगुफा छोड़ दिया जाता है। आज हमसे सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हरदी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौमा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी उसी हिसाब से इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी वैसे ही आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? ये देश का मुद्दा है क्या? फिर हमको लगता है कि धीरे 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 हमको इसकी आदत लगाई जाती है। जो बात पहले अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था, वो आखिरी पन्ने का खबर देश के अखबार के पहले पन्ने पे पहुंच गया, और जो खबर को अखबार के पहले पन्ने पे होना चाहिए था वो खबर को अखबार से गायब कर दिया गया है। हमारे बहुत सारे मित्र जो भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, वो आजकल आकर के हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात पहले हमको ठीक नहीं लगती थी, अब ठीक लगती है। तो हम बोले कि हमारी बात तुमको पहले ठीक क्यों नहीं लगती थी? तो बोला कि तुम जब बोलते थे ना तो मेरी भावना आहत हो जाती थी। हम बोले हम समझते हैं दोस्त, दिल है तुम्हारा पर तुमने दे दिया है इसको एक झूठे को।
वो झूठा वादा करके तुम्हारे दिल को चुरा लिया है, तुमने दिल उसको दे दिया है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्यार का हम सम्मान करते हैं। क्यों, कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो परी का क्या करें। दे दिए दिल, कोई बात नहीं है, दिल का हम सम्मान करते हैं। माँ बाप भी जब कहते हैं ना, पढ़ लो, समय बर्बाद मत करो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहो, तो हम लोग भी कहाँ मानते हैं, दिल का मामला है। लेकिन आपके पास सिर्फ एक दिल ही नहीं होता है, एक दिमाग भी होता है। दिल आप दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, दिमाग से हर बार आप इस बात को सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है, समाज किस ओर जा रहा है, और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप इस बात को सोचिएगा कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपके पूर्वजों ने बनाया है, जिस बगीचे का आप आम खाते हैं उसके पेड़ को आपके पूर्वजों ने लगाया है, उनके बनाए घर में आप रहते हैं, उनके लगाए पेड़ का आप फल खाते हैं, उसको खाते हुए सोचिएगा कि वो अगर ये नहीं करते तो हमको नहीं मिलता। जिसको आप यूं ही समझते हैं कि ऐसे ही मिल गया है, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। अगर इस देश में, आजाद देश में, अगर हम आजादी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और गुलामी की मानसिकता को हराना चाहते हैं, तो अपनी मुट्ठी भींच करके आजाद देश में हमको आजादी की वकालत करनी होगी। इस आजादी को हमको बचाना होगा, और इस आजादी को बचाते हुए हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेहतर देश का निर्माण बेहतर नागरिकों से होता है, और बेहतर नागरिक होने का मतलब यह है कि हम अपने हक और अधिकार को समझें, और अपने हक और अधिकार को समझ करके तमाम लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। उससे आप मजबूत होंगे, आपका समाज मजबूत होगा, आपका राज्य मजबूत होगा, और मजबूत समाज मजबूत राज्य से मजबूत देश का निर्माण होगा। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।